मुंबई से कैंसर विशेषज्ञ दिनेश प्रभाकर कैंसर पीड़ितों का इलाज करने हिमाचल के सरकारी अस्पतालों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दिनेश प्रभाकर ऑल इंडिया कैंसर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने हिमाचल में कैंसर फैलाने के सबसे बड़े कारण का खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में कैंसर धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है, जिसका कारण है मांसाहारी भोजन। ये खुलासा ऑल इंडिया कैंसर एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश ने सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में किया। उन्होंने बताया कि कैंसर किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, लेकिन इसको अगर शुरुआती तौर पर ही नियंत्रण कर लिया जाए तो इससे पहले इससे होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर शरीर में कोई भी गांठ महसूस हो तो उसे तुरंत चिकित्सक को दिखाना चाहिए और उसे किसी भी सूरत में बढ़ने नहीं देना चाहिए। जानकारी के अनुसार हिमाचल में करीबन 35,000 कैंसर पीड़ित हैं और प्रत्येक वर्ष 2,000 लोगों को कैंसर अपना शिकार बना रहा है। सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में कैंसर पीड़ित के निरीक्षण के दौरान ऑल इंडिया कैंसर एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश ने बताया कि हिमाचल में कैंसर का जनक मांसाहारी भोजन है, जिसकी वजह से आंत का कैंसर हो रहा है। उन्होंने बताया कि हिमाचल में तंबाकू का सेवन ज्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ बीड़ी सिगरेट का सेवन बहुत ज्यादा है, इसीलिए यह भी कैंसर का हिमाचल में दूसरा बड़ा कारण है। उन्होंने बताया कि कैंसर से बचा जा सकता है अगर हम अपने खान पान में सावधानी बरतें और सिगरेट पीड़ी का कम से कम इस्तेमाल करें। आखिर कैसे होता है कैंसर? आपको बता दें कि शरीर में 100 से 1,000 तक खराब कोशिकाएं होती हैं। शरीर में नई कोशिकाएं बनती रहती हैं और खराब समाप्त होती रहती हैं। कैंसर होने पर लाल और सफेद रक्त कोशिकाओं का संतुलन बिगड़ जाता है और कोशिकाओं की बढ़ोतरी नियंत्रण से बाहर हो जाती है, जो कैंसर का रूप ले लेती है। पूरी दुनिया में ये देखा गया है कि जहाँ जहाँ भी नॉनवेज का इंटेक ज़्यादा होता है, वहाँ आंत का कैंसर ज़्यादा होता है। तो यहाँ आंत का कैंसर सच में ज़्यादा है कंपेयर टू जो मेरा एक्सपीरियंस है दूसरी स्टेट से, और विदेशों में भी आंत का कैंसर बहुत ज़्यादा है और विदेशों में भी इसका रिलेशन नॉन वेजिटेरियन डाइट से। तो आप क्या सलाह देते हैं? मैं सलाह यही दूंगा, जो हमारा इंडियन खाना है दाल चावल सब्जी रोटी, उस पर हम जोर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जो मेरा हिमाचल का एक्सपीरियंस है, मुझे ये लगता है कि जो देश के कैंसर का सीन है और हिमाचल के कैंसर का सीन अलग है। जैसे देश में सबसे ज़्यादा कैंसर है मुंह का कैंसर, तम्बाकू शायद यहाँ पे लोग कम खाते हैं जे दूसरे हिस्से से ज़्यादा, और ये बहुत अच्छी बात है कि मुंह का कैंसर बहुत कम है। मगर यहाँ जो कैंसर ज़्यादा देखने में नज़र आता है वो है फेफड़े का, लंग का कैंसर, आंत का कैंसर, कोलोन का कैंसर, पेट का कैंसर, और महिलाओं में ब्रेस्ट और ओवरी का कैंसर। इसका कारण हम इसको खान पान के साथ जोड़ सकते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन डाइट है डेफिनेटली बाकी देश की मात्रा में यहाँ ज़्यादा है। मैं सिर्फ इसी से कह सकता हूँ कि सिर्फ इसके कारण ही आंत का कैंसर ज़्यादा होगा,